प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जो इस वक्त में इस वीडियो को देख रहा है। मैं प्रभु का सेवक डैनियल राज आप सभी के बीच में एक अच्छी खबर लेकर आ रहा हूँ। मुझे बेहद बेहद खुशी हो रही है, बहुत उत्साहित हूँ, दिल में बहुत आनंद है। और वो यह है कि आज से 2 से 2.5 साल के बीच में एक मुहिम हमने शुरू करी थी और उस मुहिम का नाम था और है और आगे भी रहेगा, जिस मुहिम को हम चला रहे हैं और चलाते रहेंगे, जी हाँ दोस्तों, वो था खरी शिक्षाएं, साउंड डॉक्ट्रिन्स। और एक प्लेटफॉर्म से हमने उसको शुरू किया है, करा था, करते रहेंगे, और वो प्लेटफॉर्म का नाम है मसीह मंथन बैठक। जी हाँ दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है कि अभी जब मैं देख रहा हूँ पूरे भारत में और वो सभी कंट्रीज में जहाँ हिंदी भाषा समझी जाती है कि खरी शिक्षाओं ने मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा रेवोल्यूशन, एक आत्मिक आग खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में मसीह की दह के लिए, जिसको हम कहते हैं यीशु की कलीसिया, यूनिवर्सल, सर्वव्यापी, उसके अंदर ऐसा इम्पैक्ट, ऐसा प्रभाव छोड़ा है। और जब मैं आज देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मेरा हृदय बहुत आनंदित है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से और इतनी तेजी से, रैपिडली, इस रेवोल्यूशन, क्रांति को या इस मुहिम को यीशु, पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता ऐसी तेजी देगा। हजारों, लाखों की तादाद में आज लोगों ने खरी शिक्षाओं को अपना लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद भी जानते हैं, जो फेसबुक पे हैं, जो यूट्यूब पर हैं, आप जानते हैं मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से ये डैनियल राज और मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं पूरे भारत में और भारत के बाहर, वो सभी ने बहुत जबरदस्त मेहनत करी और अभी भी कर रहे हैं। और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, इस मुहिम को और इस आग को, जिसको कहते हैं खरी शिक्षाएं, साउंड डॉक्ट्रिन्स, हम फैलाते रहेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि खरी शिक्षाओं को लोगों ने अब स्वीकार करना शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद में लोग मन फिरा रहे हैं, आत्माएं बचाई जा रही हैं फिर से, और वो भी सही तरीके से। परमेश्वर का वचन, जिसको हम कहते हैं बाइबल, जी हाँ, ये जिसको हम कहते हैं पवित्र शास्त्र, ये इस पुस्तक और इसमें जो बातें यीशु की हैं, उसको हम बिल्कुल राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, 2 तिमोथी 2:15-16 के मुताबिक हम सिखा रहे हैं, 2 तिमोथी 2:15-16 हम सिखा रहे हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये मुहिम जारी रहेगी। मुझे खुशी इस बात की है आपको बताते हुए कि लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया, बड़ी तादाद में, और लोग कन्विंस हो गए। जिब्रिश का मामला हो, कन्विंस हो रहे हैं। दशमांश पे जोर जबरदस्ती की बात हो, कन्विंस हो रहे हैं। हाथ रखकर नीचे गिराना, जिसको कहते लेइंग हैंड्स, फॉलिंग इन स्पिरिट, जो कि नॉन बिब्लिकल है, क्योंकि पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता, पवित्र आत्मा उठाता है। और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को उसी दिन मिल जाता है जिस दिन उसका उद्धार होता है, Ephesians 1:13, Ephesians 4:30। कुछ लोग हैं मार्केट में, मसीह मार्केट में, जो गलत सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा को कहते हैं 1, 2, 3 कहूंगा, नीचे आ जाएगा, आपके ऊपर गिरेगा, मैं सफेद कोट घुमाऊंगा या रुमाल घुमाऊंगा या हाथ घुमाऊंगा, आप नीचे गिर जाओगे। आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता है। बाइबल के अंदर एक भी घटना, ओपन चैलेंज है, बाइबल के अंदर एक भी घटना लिखित में, रिकॉर्डेड, यीशु के हाथ से, पत्रस के हाथ से, पौलुस के हाथ से, फिलिप के हाथ से, तिमोथी के हाथ से, किसी के भी हाथ से कभी भी किसी को नीचे नहीं गिराया। तो लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर लिया। मुझे इस बात की खुशी है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं।
कितने कॉल्स आते हैं, कितने मैसेजेस आते हैं। अभी मैं जब ट्रिप में था तो मुझे कितने लोगों ने कहा कि पास्टर डैनियल, आपने जब से ये मुहिम शुरू करी है या चलाई है 2 से 2.5 साल के बीच में, हम बच गए। नहीं तो हम नशा, पाप, मूर्ति पूजा, संसार, गंदगी को छोड़कर भी हम इस आशा में थे कि हम यीशु से मिलने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोगों ने जो अंधे अगुवे हैं, मिल्क ड्रिंकिंग सेवक हैं, उन लोगों ने हमको सही राह नहीं दिखाई, जिसके चलते यीशु मत्ती के 23 अध्याय में कहता है कि तुम ऐसे अगुवे हो, ना खुद जाते हो ना दूसरों को प्रवेश करने देते हो। याद होगा आपको। तो मुझे खुशी है कि मैं हजारों और लाखों की तादाद में, मेरे चैनल पे 2 लाख लोग हैं सब्सक्राइबर्स, फेसबुक पे 60,000 फॉलोवर्स हैं, या जो मुझे फॉलो करते हैं 60,000। अब आप सोच के देखें कि तकरीबन 3.25 लाख लोग अगर मुझे सुनते हैं, तो मैं 3.25 लाख लोगों को खरी शिक्षाओं में, यीशु की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की मदद से उनको उस रास्ते पे ला चुका हूं, और कई लाख लोग अभी बाकी हैं। मुझे खुशी और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता दूं कि मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से खरी शिक्षाएं जड़ पकड़ रही हैं, पौधे तैयार हो रहे हैं, शाखाएं बन रही हैं, और परमेश्वर का काम बड़ी तेजी से खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में लोगों तक पहुंच रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं अभी इस वीडियो में कि बहुत सारी एक्टिविटीज मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से पूरे भारत के अंदर और विश्व के अंदर हम कुछ एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, और मकसद एक ही है कि लोगों को खरी शिक्षाओं में लाएं और उनकी आत्माओं को नाश होने से बचाएं। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ 10 मिनट के अंदर का वीडियो होगा जिसको मैं भी थोड़ी देर में समाप्त करूँगा। तो मैं वापस से बता दूँ कि ये अच्छी खबर आप तक मैंने लाने का इस वीडियो के माध्यम से ये प्रयास किया है कि खरी शिक्षाएं लोगों ने स्वीकार कर ली है बड़ी तादाद में, और कई तादाद के लोग अभी बाकी हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें आप जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, आप भी जुड़े हैं, और कई लोगों को हमें जोड़ना है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मसीह मंथन बैठक के उस प्लेटफॉर्म के हिस्से नहीं हैं, आप मेंबर बनना चाहते हैं, ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं नंबर डाल चुका हूं, आप देख लीजिएगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और MMB मसीह मंथन बैठक से जुड़कर, सदस्य बनकर खरी शिक्षाओं की मुहिम में आप भी साथ में जुड़ें, एकजुट होकर एक बड़ी सेना बनकर हम परमेश्वर के राज्य के लिए लाखों लोगों को बचा सकें, और प्रभु की सही कलीसिया इफिसियों 5:26-27 ऐसी कलीसिया यीशु के पास खड़ी कर सके जिसका इंतजार यीशु खुद कर रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप तक पहुंचता है, दूसरों तक पहुंचाएं, ये कष्ट जरूर करें। जी हाँ, रिक्वेस्ट है आपसे, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, बिना शेयर किए या दूसरों को बिना पहुंचाए आप इसको यूं ही बंद नहीं करिएगा। मकसद है खरी शिक्षाएं, यीशु की शिक्षाएं लोगों तक पहुंचे। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।